लेकिन ये तो अभी इसके सामने हम रोड पे खड़े हैं, मलवा मलवाड़वन का गांव ये साथ में नजर आ रहा है, तो आधे से ज़्यादा गांव जल गया, राख हो गया, सारे मकान जल गए हैं, कुछ रहा नहीं है। मस्जिद शरीफ भी का छत वगैरह शहीद हो चुका है, तो बहुत ही नुकसान हो चुका है, इसकी भरपाई करना मुश्किल है। वाया कि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, एनजी साहब को चाहिए, हमारे चीफ मिनिस्टर जो है उमर अब्दुल्ला साहब, उनको चाहिए कि उनको पूरी तौर पर माली मदद करें, क्योंकि मौसमी सरमा आ रहा है, विंटर सीजन आ रहा है, यहाँ बर्फ़ दो दो चार चार मीटर पड़ती है, और ये तक लगभग मेरे ख्याल में एक महीना इनके पास है मुश्किली से, वो भी अगर वो इसको कुछ अंदर करें, उनको लकड़ी दें, उनको सीजाई शीट दें, और उसके अलावा कम से कम 5-5 लाख रुपया फी कुंभा को दे दें, ताकि उसके आज ये कुछ काम कर सके और अपने शेल्टर अपने बैठने के लिए कुछ मकानात वगैरह कुछ तामीर कर सकें, उससे कमल उनको प्रीफैब्रिकेटेड शेड बनानी चाहिए, ताकि ये जो बाल बच्चे हैं इतना पूरा 70-80 घर जो जल गए हैं, उनको रहने के लिए कहीं जगह मिले, ताकि कुछ अरसा रह के अपने गांव में काम कर सकें। बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है इन लोगों को। आज हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, हल्जी साहब को भी आना चाहिए। तो एक तो टेक्निकली मैं बताऊँ कि इसको जैसे गवर्नमेंट JCB वगैरह दे के इसको थोड़ा प्लान किया जाना चाहिए, और उसके बाद तामीर जो है वो भी जल्द से जल्द शुरू करनी चाहिए, ताकि एक सटोरिया मैंने यहाँ बर्फ़ लगभग 1-1, 2-2 मीटर बर्फ़ यहाँ पड़ती है, काफ़ी दूर दराज इलाका, कनेक्टिविटी खत्म, क्योंकि आना जाना लगभग 10-12 नवंबर के बाद तो यहाँ आना जाना मुश्किल हो जाएगा। मरगन का टाप जो है बर्फ़ की बारिश की वजह से बंद होता है, किश्तवाड़ का रास्ता जो है वो भी अभी दर्शन तक ही है, ये वहाँ से भी गाड़ी नहीं आ सकती है, तो इस लिहाज से कि यहाँ जितनी मदद हो सके इन लोगों को करें। एक तो लकड़ी का इंतजाम करना चाहिए, सीजाई शीट्स इनको देनी चाहिए, राशन इनका सारा जल चुका है, 6 महीने का राशन फ्री इनको देना चाहिए, और ख़ास करके यहाँ पे जिस एक एक बच्चा जो इनका है वो या तो किसी न किसी डिपार्टमेंट में लगाना चाहिए, 4th क्लास में या SPO भर्ती होनी चाहिए, एक एक नया कांस्टेबल भर्ती होनी चाहिए, एक एक लड़का इनका जाएगा, कुछ नहीं रहा है, बिल्कुल सफ़ेद जगह रही है, 3-3 मंजिल मकान थे यहाँ पे सारे जल चुके हैं, क्योंकि वहाँ पानी का यहाँ इंतजाम नहीं था, जब तक वो फायर ब्रिगेड अनंतनाग से यहाँ पहुँची तब तक इराक हो गया था सारा। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक तो इस इलाके में कम से कम एक फायर ब्रिगेड सर्विस रखे, और उसके साथ साथ इनके मकानात को फौरी तौर पे वार फुटिंग पे तामीर करें, सीजाई शीट दें, लकड़ी दें, सीमेंट दें, और पैसा भी कम से कम 5-5 लाख रुपए इन लोगों के दें, ताकि ऐसा गरीब इलाका है, इनके पास कोई मदद नहीं, कोई मुलाजमत उतनी ज़्यादा नहीं है, 7 महीने ये कट 6 महीने कट ऑफ रहता है ये पूरा इलाका, और यहाँ से बिल्कुल सामने दिखाई देता है कि कितना बड़ा नुकसान है, इसकी भरपाई करना बहुत ही मुश्किल है। अब गुजारिश है सरकार से कि फौरी तौर पर इनकी मदद की जानी चाहिए।